फाइन फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया गया। कैंप में प्रशिक्षित चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। कैंप में सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। फाइन फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का वैशाली नगर में निःशुल्क आयोजन किया गया। कैंप में डॉक्टर राजवीर एन कुलदीप, डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा, डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, डॉक्टर बीके शर्मा, डॉक्टर मयूर कुमार गोयल, डॉक्टर यशवंत, डॉक्टर दीपिका मोरियानी, डॉक्टर ऋतु मित्तल, डॉक्टर दीपक शर्मा ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। शिविर में सभी प्रकार की जांच एवं परामर्श निःशुल्क रखा गया। जानकारी देते हुए डॉक्टर मयूर गोयल ने बताया कि शिविर में 9 डॉक्टर एवं 25 नर्सिंग स्टाफ द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। शिविर में होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी सहित अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। शिविर में दवाइयाँ भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मौसम परिवर्तन होने के कारण बच्चे मौसमी बीमारियों से ज्यादा ग्रसित हैं। साहिल सिद्दीकी ने बताया कि मेरे स्वर्गीय पिता की याद में हम हर वर्ष निःशुल्क कैंप लगाते हैं। आज 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया है। संस्था की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर ऐसे कई उपकरण निर्धारित समय सीमा के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। आज फाइन फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस कैंप में हम 9 डॉक्टर्स करीब और 25 नर्सिंग स्टाफ अपनी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें मैं डॉक्टर मयूर गोयल, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, सर्जन हैं हमारे यहाँ, फिजिशियन हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, होम्योपैथी डेंटिस्ट और फिजियोथेरेपी तथा अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही है और निःशुल्क दवाइयां और जांचें दी जा रही हैं। बच्चों की बच्चों में ज़्यादा अभी सर जैसा कि हमें पता है ऑल ऑफ सडन मौसम चेंज हुआ है। मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों में जो मौसमी बीमारियां हैं जैसे जुखाम खांसी है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू जिसे बोलते हैं हम, या फिर जैसे उल्टी दस्त की दिक्कतें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अभी देखने को मिल रही हैं। तो इसके लिए हम लोग बच्चों पेरेंट्स को प्रिवेंटिव मेजर्स जो कैसे हम बचा सकते हैं और दूसरा उसमें क्या इलाज कर सकते हैं उसका हम पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं और इसके साथ में जो उसका प्रॉपर इलाज है उनको वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की सलाह दी जा रही है और उनको साथ के साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इन बीमारियों के वो भी बताए जा रहे हैं। जी।